क्या आपको पता है कि अगर लेटली आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड या फिर ड्रेन फील कर रहे हैं तो आपको अपने बर्थ चार्ट में मार्स की प्लेसमेंट देखनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि आपको कहाँ से एनर्जी पुल करनी है। तो आई टेक यू थ्रू डिफरेंट हाउसेज एंड व्हाट इट मीन्स फॉर योर मार्स साइन। तो अगर आपका मार्स फर्स्ट हाउस में हो तो आपके पास काफी नेचुरल एनर्जी ऑलरेडी है, बट आप फिर भी थका हुआ फील कर रहे हैं तो आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए। बी सेल्फिश, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड सी हाउ योर एनर्जी गोज बैक अप। अगर आपका मार्स सेकेंड हाउस में हो तो आपको पैसे से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं या कैसे पैसे खर्च कर सकते हैं। इवन बीइंग इन लग्जूरियस एनवायरमेंट बूस्ट योर एनर्जी। अगर आपका मार्स थर्ड हाउस में हो तो यू शुड चेंज योर एनवायरमेंट राइट नाउ। गो फॉर अ वीकेंड गेट अवे और अ ट्रिप, बस चेंज योर एनवायरमेंट। यू कैन इवन रीड, राइट, लर्न एंड जस्ट बी अराउंड योर मेंटल पर्सन। अगर आपका मार्स फोर्थ हाउस में हो तो बींग एट होम रियली एनर्जाइजेस यू। तो घर पे जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो, बी अराउंड योर फैमिली, टाइडी योर होम, रूम, वट एवर, बट जस्ट बी एट होम एंड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड ऑल्सो बाय द वॉटर। अगर आपका मार्स फिफ्थ हाउस में हो तो आपको क्रिएटिव चीज़ें करने से एनर्जी मिलती है। सो यू कुड एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, लाफ एंड जस्ट हैव फन, तो आपकी एनर्जी रीगेन होगी। सो मार्स इन द सिक्स्थ हाउस मीन्स कि आपको वर्कआउट करने से एनर्जी मिलती है, तो आप जिम जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ऑल्सो बींग एट सर्विस फॉर अदर्स बूस्ट योर एनर्जी एंड ऑल्सो स्पेंडिंग टाइम विद योर पेट्स। सो मार्स इन द सेवन्थ हाउस मीन्स कि आपको अपने पार्टनर से एनर्जी मिलती है, तो उनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए। यू शुड स्पेंड टाइम विद दैम एंड इफ़ यू डोंट हैव अ पार्टनर, परस्यूइंग अ पार्टनर ऑल्सो एनर्जाइजेज यू। मार्स इन द एट्थ हाउस मीन्स कि आपको अकल्ट टॉपिक्स एक्सप्लोर करने से बहुत एनर्जी मिलती है एंड साथ ही में कोई भी टॉपिक पे रिसर्च करने से भी आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। अगर आपका मार्स नाइन्थ हाउस में हो तो आपको डीप फिलोसफिकल बातें करने से एनर्जी मिलती है, स्पिरिचुअल बातें करने से एनर्जी मिलती है, ट्रैवलिंग से भी एनर्जी मिलती है और दूसरों के कल्चर्स के बारे में सीखने से भी एनर्जी मिलती है, तो आपको इसमें से कुछ करना चाहिए। अगर आपका मार्स टेंथ हाउस में है तो आपको अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए बिकॉज उससे आपको एनर्जी मिलती है, तो आपको अपने सक्सेस के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आपका मार्स इलेवेंथ हाउस में हो तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने से या फिर कोई ग्रुप एक्टिविटी करने से या फिर कोई कॉज के लिए लड़ने से एनर्जी मिलती है। और लास्टली अगर आपका मार्स ट्वेल्थ हाउस में हो तो यू नीड सम एक्स्ट्रा स्लीप, तो आपको एक नैप लेने से या फिर अकेले रहने से या फिर मेडिटेशन करने से, बेसिकली कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से आपको एनर्जी मिलती है।